हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज एक और साउथ कोरिया के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये आप इसे एक वार्निंग वीडियो कह सकते हैं। ये वार्निंग वीडियो उन लोगों के लिए है जो साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना लगा के, बल्कि फेक डॉक्यूमेंट्स या उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट करके वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ वीज़ा लेने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, उसे शेयर भी कर देना, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग जो है गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो साउथ कोरिया का वीज़ा फेक डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई कर रहे हैं तो वो मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया एम्बेसी ने अब जो है उन लोगों के खिलाफ FIR लॉज करना शुरू कर दिया है जो लोग फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो आप फ्रेंड्स आप वीज़ा अपना खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा अप्लाई करें, रियल डॉक्यूमेंट लगा के अप्लाई करें। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दें, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चेकलिस्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो, या उसके अलावा थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स वो लगते आप खुद दें अपने डॉक्यूमेंट्स। अगर वो आपके बना रहे हैं तो आप उनसे हमसे पूछें कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगा रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। चाहे आप खुद कर रहे हैं तब भी आप सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल लगाएं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप फेक ना लगाएं, क्योंकि कोरियन एम्बेसी ने जो है नोटिस निकाला है उन लोगों के खिलाफ। कोरियन एम्बेसी जो है आप उन लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज करा रही है, लॉज करा रही है, जो लोग गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी पीछे जो है एक नोटिस सर्कुलर हुआ था, वो सर्कुलेट हुआ था, काफ़ी लोगों के पास पहुंचा, मेरे पास भी वो पहुंचा। तो मैं अभी एक आपको जो मेरे पास जो एक नोटिस पहुंचा है मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूं, रिगार्डिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। तो ये नोटिस है रिगार्डिंग फेक डॉक्यूमेंट्स, कोरियन एम्बेसी हैज़ लॉस्ड FIR अगेंस्ट 8 एप्लीकेशंस। उसके बाद 5 एप्लीकेशंस, 2 एप्लीकेशंस एंड 2 मोर ग्रुप्स विच हैव फेक डॉक्यूमेंट्स लाइक ITR, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एंड इन्विटेशन लेटर। तो फ्रेंड्स ये जो है 5, 2 और 2 ग्रुप्स के खिलाफ ये फेक डॉक्यूमेंट्स करने यूज़ करने के लिए उनके खिलाफ जो है FIR लॉज की गई है कोरियन एम्बेसी की तरफ से। तो और इसके अलावा एप्लीकेंट्स एंड एजेंसीज विल बी कॉल्ड। इसके अलावा ये भी लिखा है कि एप्लीकेंट्स को भी वो कॉल करेंगे और एजेंसीज को भी, उन एजेंसीज को भी कॉल करेंगे जो लोग बाय द पुलिस के द्वारा, पुलिस उनको कॉल करेगी एजेंसीज को भी और एप्लीकेंट्स को भी जो है फेक डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं, और वो पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन से कलेक्ट करने के लिए उनको कॉल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इस मुसीबत में फंस सकते हैं अगर आपके खिलाफ FIR हो गई, अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं या एडिट करके कर रहे हैं, तो ये आप मत करें क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। तो यही मैं इस वीडियो में बताना चाहता था आपको। और भी सर्कुलर आ रहे हैं जिसमें और भी नोटिस आ रहे हैं जो लोग अभी भी जिनको नहीं पता है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर दो ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और इसको जो है आप शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि जितने ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुंचेगी उतना ही बेटर होगा, ताकि वो किसी भी मुसीबत में ना फंस सकें और अपना वीज़ा अगर वो खुद अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाएं, और अगर वो किसी एजेंसी या किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे के उनसे वीज़ा अप्लाई करवाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।